हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। सो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th का हमारा चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। इससे पिछले वाली वीडियो से हमने देखा था सरकारी बजट क्या होता है, सरकारी बजट के कौन कौन से घटक होते हैं, बजट प्राप्तियां क्या होती है, बजट व्यय क्या होता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि बजट व्यय के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या उनके नाम है, क्या क्या उसकी परिभाषा है, उसको समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे बजट व्यय का मतलब क्या होता है। व्यय का मतलब होता है एक्सपेंडिचर करना, यानी कि खर्चा करना। अब बजट व्यय का मतलब हो जाएगा जब बड़े लेवल के ऊपर सरकार कोई खर्चा करती है, उसको बजट व्यय कहते हैं। तो एक साल में सरकार जितना पैसा खर्च करती है उसे बजट व्यय कहते हैं। जैसा हमने बजट प्राप्तियों में देखा था कि एक साल के अंदर सरकार को जितना पैसा प्राप्त होता है वो सरकार की बजट प्राप्ति का हिस्सा होता है। बजट व्यय में इसका उल्टा हो जाएगा, सरकार जितना पैसा खर्च करती है वो बजट व्यय का हिस्सा हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सरकार पैसा कहाँ कहाँ खर्च करती है, यानी कि सरकार अपने पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती है, खर्च करती है। तो सरकार बहुत सारी जगह पर पैसे खर्च करती है। सबसे पहला है इसका, अगर सरकार कोई शेयर खरीदती है किसी भी कंपनी के, तो वहां पर भी पैसा खर्च होगा सरकार का, तो शेयर खरीदने में पैसा खर्च करती है। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट का काम करती है गवर्नमेंट, जैसे स्कूल बनवाने, हॉस्पिटल बनवाने, रोड बनवाने, पुल बनवाने, ये सभी कार्य करवाने में भी सरकार पैसा खर्च करती है। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स की पेंशन होती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, इसके अलावा जो सुरक्षा बल होते हैं उनकी सैलरी दी जाती है, उनके ऊपर जो भी खर्च किया जाता है, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं गवर्नमेंट को जो करने होते हैं, वो सभी बजट व्यय का पार्ट होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जब आप इसका मीनिंग समझ लोगे तो डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ये इसका नॉर्मल मीनिंग है। अब इसकी जो डेफिनेशन है उसमें आपको लिखना है, एक वित्तीय वर्ष में सरकार के अनुमानित व्यय को बजट व्यय कहते हैं, यानी कि एक साल के अंदर सरकार जितना पैसा खर्च करेगी उसके अनुमानित व्यय को ही हम बजट व्यय कहते हैं। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि बजट व्यय के कौन कौन से प्रकार होते हैं। बजट व्यय को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है राजस्व व्यय, दूसरा है पूंजीगत व्यय। जैसा बजट प्राप्ति को दो हिस्सों में बांटा गया था, उनका नाम भी सेम था, एक का राजस्व प्राप्ति था, एक का पूंजीगत प्राप्ति था। यहाँ पर प्राप्ति बदलकर व्यय कर दिया गया है, तो एक का नाम है राजस्व व्यय, एक का नाम है पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय, राजस्व का मतलब होता है, जैसा हमने एग्जाम्पल राजस्व प्राप्ति का लिया था, ठीक वैसे एग्जाम्पल राजस्व व्यय का लेना है। अब राजस्व का मतलब होता है, आपको याद रखना है, राजस्व का मतलब है राजस्व रिलेटेड। ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे आपको याद रखने में आसानी रहेगी कि राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है। तो राजस्व व्यय को आप समझ सकते हो कि राजा से रिलेटेड, राजा पुराने टाइम में अपने शौक के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करता था और जो नॉर्मल जनता होती थी उसके ऊपर कम पैसा खर्च करता था, ऐसा हमको अपने दिमाग के अंदर रखना है। तो राजस्व व्यय का मतलब हो जाएगा फ्री का खर्चा, यानी कि राजा जो भी खर्चा करेगा वो लोगों की भलाई में नहीं करता था, वो अपने ऊपर करता था। तो राजस्व व्यय को आप याद रखोगे ट्रिक से कि फ्री का खर्चा, यानी कि ऐसा खर्चा जो फ्री में सरकार द्वारा किया जाता है, इससे ना तो सरकार की कोई परिसंपत्ति बनती है और ना ही सरकार के कोई लोन में कमी आती है। अब अगर हम इसको एक नॉर्मल से व्यय में समझे तो हमें पहले पता होना चाहिए कि व्यय कहाँ पर किया जाता है। तो आपको पता है अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो खर्चा कर रहा है यानी कि वो एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो या तो उससे अपनी कोई परिसंपत्ति बनाएगा कि उससे उसकी परिसंपत्ति का निर्माण होगा, या फिर उसने अगर किसी से कोई पैसा उधार ले रखा है उस पैसे को दे देगा, तो यानी कि अपनी उधारी को कम करेगा, उधारी कम करेगा। तो व्यय दो तरीके से किया जाता है, या तो परिसंपत्ति खरीदने में, यानी कि कोई शेयर खरीद लिया है, कहीं पर जमीन खरीद ली, कोई हॉस्पिटल बनवा दिया है, तो या तो इसके लिए खर्चा किया जाता है या फिर अपनी उधारी कम करने के लिए खर्चा किया जाता है। तो अगर इन दोनों के ऊपर खर्चा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो राजस्व व्यय है। तो आपको यही बात याद रखनी है, भले ही वो राजस्व प्राप्ति है भले ही राजस्व व्यय है, वर्ड दोनों सेम रहेंगे, परिसंपत्ति और उधारी। अगर परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है, उधारी भी कम नहीं हो रही है, तब वो राजस्व व्यय होगा। तो इसकी परिभाषा है, राजस्व व्यय एक ऐसा व्यय होता है जिससे ना तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है, यानी कि इस खर्चे की वजह से सरकार की कोई परिसंपत्ति नहीं बन रही है, और ना ही सरकार की कोई देयता, यानी कि सरकार की कोई उधारी में कोई कमी नहीं आ रही है। अगर सरकार ने कहीं से कोई लोन ले रखा है या कोई ऋण ले रखा है, किसी से उधारी ले रखी है शॉर्ट टर्म के लिए, उस पैसे को भी कम नहीं कर रही है सरकार, और ना ही अपनी कोई परिसंपत्ति बना रही है, तो ऐसे खर्चे को ही हम राजस्व व्यय बोलते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है
कि फ्री का जो भी पैसा खर्च किया जाता है सरकार के द्वारा, जो ना तो उसकी परिसंपत्ति का निर्माण करना है ना ही उसकी उधारी को कम कर रहा है, वो राजस्व व्यय होता है। अब राजस्व व्यय कहाँ कहाँ किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अगर सरकार अपनी परिसंपत्ति नहीं खरीद रही है ना ही अपनी उधारी कम कर रही है तो पैसा खर्च कहाँ कर रही है। जो पैसा खर्च किया जाता है वो अनुदान में पैसा खर्च किया जाता है। कभी कभी देश में ऐसे हालात होते हैं जैसे बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया है, ऐसे टाइम पे क्या होता है, गवर्नमेंट ही सबकी हेल्प करती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अनुदान देती है जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। तो सरकार अगर कोई अनुदान देगी तो या उससे उसकी कोई परिसंपत्ति तो नहीं बन रही है सरकार की, और ना ही उसकी उधारी कम हो रही है, तो वो खर्चा माना जाएगा कि वो राजस्व व्यय का पार्ट है। इसके अलावा अगर जो वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है वृद्ध लोगों को, यानी कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनको, सीनियर सिटीजन को वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। अब वृद्धावस्था पेंशन देने सरकार की ना तो कोई परिसंपत्ति बन रही है और ना ही सरकार की कोई उधारी में कमी हो रही है। इसके अलावा जब सरकार छात्रवृत्ति दे रही है तो वो भी राजस्व व्यय का पार्ट है। सुरक्षा के लिए जो भी सामान खरीदा गया है, जो सुरक्षा कर्मियों के लिए सामान खरीदा जाता है, तो उसको भी राजस्व व्यय का पार्ट माना जाता है। इसके अलावा ब्याज का जो भुगतान है वो भी राजस्व व्यय का पार्ट हो। तो ये राजस्व व्यय के बारे में है कि बजट व्यय के दो पार्ट होते हैं, राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय को हमने समझ लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम समझेंगे पूंजीगत व्यय क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है और कहां कहां पर पूंजीगत व्यय किया जाता है। अब हम देखेंगे पूंजीगत व्यय क्या होता है। तो जैसा हमने पूंजीगत प्राप्ति के बारे में समझा था वैसे पूंजीगत व्यय होता है। पूंजीगत प्राप्ति का मतलब क्या होता था, ऐसा पैसा जो सरकार को मेहनत करने से मिलता है। मेहनत करने का मतलब ये है कि सरकार को अपने उद्यम से जो भी पैसा मिलता था, जो भी सरकारी उद्यम होते हैं उनसे जो पैसा मिलता था वही पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्ति का पार्ट होता था। राजस्व प्राप्ति में वो पैसा आता था जो सरकार को फ्री में मिलता था, जैसे सरकार को टैक्स मिल रहा है या जो सरकार को रजिस्ट्रेशन फीस मिल रही है, जो शुल्क मिल रहा है वो राजस्व प्राप्ति होती थी। और पूंजीगत प्राप्ति जो मेहनत का पैसा होता था, सेम कॉन्सेप्ट यहीं पर। राजस्व व्यय का मतलब होता है सरकार का ऐसा खर्चा जो उसके किसी भी तरीके के काम का नहीं है, यानी कि काम का मतलब जो ना तो उसकी कोई परिसंपत्ति बना रहा है ना ही उसकी उधारी को कम कर रहा है। दूसरी ओर जो पूंजीगत व्यय होता है वो या तो सरकार की परिसंपत्ति को बनाएगा या फिर सरकार की जो पिछली उधारी होती है उसको कम करेगा। परिसंपत्ति का मतलब क्या होता है, जैसा कि हमें पता, भूमि खरीदना, जमीन खरीदना, इसके अलावा मशीन खरीदना, इसके अलावा सरकारी जो भी कामकाज करवाए जाते हैं, स्कूल बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, ये कहीं ना कहीं सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण करते हैं। तो जब इन सब चीजों के ऊपर खर्चा किया जाता है वो पूंजीगत व्यय का पार्ट होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, पहले इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। पूंजी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है कि पूंजी में हम उन उन चीजों को शामिल करते हैं जिसमें भूमि आती है, मशीन आती है, इसके अलावा जो लेबर होती है। तो यहाँ हम लेबर को कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ भूमि और मशीन तक ही रहेंगे। तो पूंजी का मतलब होता है भूमि और मशीन। अब जब सरकार भूमि यानी कि पूंजी के ऊपर पैसा खर्च करेगी तो वो पूंजीगत व्यय होता है, ये इसको याद रखने की ट्रिक है। यानी कि जब सरकार पूंजी खरीदने के ऊपर पैसा खर्च करेगी वो पूंजीगत व्यय का पार्ट हो जाता है। जब सरकार भूमि, पूंजी आदि पर पैसा खर्च करती है उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। ये तो इसका मीनिंग हो गया जो आपको अपने दिमाग के अंदर रखना है, लेकिन जब पेपर में आप इसको लिख कर आओगे तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख कर आनी है कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो डेफिनेशन है पूंजीगत व्यय की, परिभाषा क्या है, पूंजीगत व्यय से अभिप्राय ऐसे व्यय से होता है जो या तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण करती है, यानी कि जब भी सरकार ऐसा पैसा खर्च करती है तो उससे या तो सरकार की संपत्ति का निर्माण होगा, स्कूल बना दिया तो सरकार की परिसंपत्ति बन रही है, शेयर खरीद लिए किसी कंपनी के तो सरकार की परिसंपत्ति बन रही है, इसके अलावा या फिर सरकार की उधारी को कम करती है। सरकार अगर अपने पिछला पैसा कहीं से ले रखा है, उसने उधार कहीं से लोन ले रखा है, उस पैसे को कम कर देती है तो वो पूंजीगत व्यय का पार्ट होता है। तो दो टर्म है जो आपको याद रखनी है, कि परिसंपत्ति और एक है उधारी। तो या तो इस वाले व्यय से या तो परिसंपत्ति का निर्माण होगा या फिर पिछली जो उधारी होती सरकार की वो खत्म हो जाती है। तो सरकार जब अपनी पिछली उधारी को कम करेगी यानी कि खत्म करेगी, या फिर कोई दुकान खरीद लिया, कोई मशीन खरीद लिया, कहीं हॉस्पिटल बनवा दिया, कोई स्कूल बनवा दिया है, तो परिसंपत्ति का निर्माण करेगी, तो ये दोनों टाइप्स के जो खर्चे होते हैं वो पूंजीगत व्यय में शामिल होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अब पूंजीगत व्यय की जो महत्वपूर्ण मद है, यानी कि सरकार कहाँ कहाँ पर जो पैसा खर्च करती है उसको पूंजीगत व्यय हम मानते हैं। सबसे पहला है भूमि खरीदने पर किया गया खर्चा, यानी कि जब भी सरकार जमीन खरीदती है, कोई हॉस्पिटल बनवा रही है, स्कूल बनवा रही है, तो वो खर्चा पूंजीगत व्यय में शामिल किया जाता है।
भवन बनाने पर जो भी खर्चा किया जाता है वो भी पूंजीगत व्यय में शामिल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें पता है कि अगर कहीं बिल्डिंग बनवाई जाएगी, कोई हॉस्पिटल बनवाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण करती है। इसके अलावा मशीनों की खरीद पर जो खर्चा किया जाता है वो भी पूंजीगत व्यय का पार्ट होता है। शेयर खरीदने पर जो सरकार खर्चा करती है वो भी पूंजीगत व्यय का पार्ट होता है। स्कूल, अस्पताल आदि बनाने पर जो भी खर्चा किया जाता है, इसके अलावा जो पिछला ऋण लिया है सरकार ने या फिर जो पिछला उधार लिया है उसको खत्म किया जाता है, तो उस व्यय को भी हम पूंजीगत व्यय बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इससे पिछला उधार खत्म हो रहा है और इसकी डेफिनेशन में ये मेंशन है कि अगर सरकार की पिछली उधारी खत्म होती है तो ऐसे खर्चे को हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। तो यहाँ पर ये वाली वीडियो हमारी हो जाती है कम्प्लीट, जिसमें हमने देखा है बजट व्यय क्या होता है। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फर्दर रिवीजन के लिए अपने पास रख सकते हो। अब हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियोस है वो आपको मिल जाएंगी अक्ष वाट के यूट्यूब चैनल पर। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे अक्ष वाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।